कि आप हिमाचल शुरू हो गया, जस्ट शुरू हुआ हिमाचल। हिमाचल शुरू हुआ है, पालमपुर और मंडी दिखा रहा है। मंडी जो है डलहौजी की तरफ पड़ता है और पालमपुर जो है वो धर्मशाला के बाद पड़ता है, ठीक है। ये सामने जो है आपको पहाड़ दिखाई देंगे, पहाड़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखाई देगी, जूम करने पे शायद दिखाई दे। ये देखिए, ओहो बहुत तेज चल रहे हैं हम। ये हसी वादियाँ ये खुला सुमा, गए हम कहाँ मेरी जाने जा। यहाँ पे हम रुके हैं डीजल भरवाने के लिए। अभी आप देखिए मीका जो है एक पूरे खाली पूल के अंदर जा रही है, अभी एक खाली पूल में स्विमिंग करके दिखाएगी। ये एक स्विमिंग पूल है जिसमें पानी नहीं है, अब इसमें मीका स्विम करेंगी। ये देखिए, अरे बहुत जल्दी पहुंच गए, अरे वाह आप तो बहुत फास्ट स्विमर हो। मीका आप क्या बोल रहे हैं? सबकी डिफरेंट चॉइस होती तो फिर मुझे इतना शांत अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा सा डाउट है। मतलब आप लोग ओल्ड जमाने में बॉर्न हुए थे पर अब चेंज हो गया, मैं तो न्यू जमाने में बॉर्न हुई थी और स्कूल भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया ना, तो फिर मेरा स्कूल ज्यादा लाउड होता था आप लोग से। जा रहे हैं मंडी से कुल्लू, फिर वहाँ से मनाली, और ये बीच में विलेज सिटी है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है सब, हल्की हल्की ठंड भी है। स्टार्स दिखाऊं मैं? स्टार्स दिखाना मुश्किल है, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। कुल्लू सिटी, रात में कुल्लू सिटी का नज़ारा, और ये हाईवे बहुत अच्छा हाईवे बना है कुल्लू और मनाली के बीच में। ये मंडी से स्टार्ट हुआ था। वैष्णो देवी ऐसे दिखेगा जैसे ये सामने है। हाँ वैसे ही दिखता है। वैष्णो देवी बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बहुत सुंदर, मजा आ गया ये देख के। रात का सीन। गुड मॉर्निंग, ये हमारे रूम से व्यू है। और ये हमारा रूम पूरा मेसी है, देखिए कैसे रूम पूरा फैलाया हुआ है इन दोनों ने, जिनके नाम है यही दोनों फैला। नहीं इन दोनों ने, ये हम लोग मनाली के टाउन में है
और वहां से अटल टनल की तरफ जा रहे हैं। सामने पहाड़ है जिसपे बर्फ है, थोड़ी थोड़ी बर्फ है। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़, तुम कभी सोते नहीं। आप सामने देख रहे हैं ये अटल टनल रोहतांग, यहाँ पे अटल टनल की एंट्री हो रही है। ये टनल 9 किलोमीटर लंबी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है जो कि 10,000 फीट पर बनी हुई है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट है, इसकी लेंथ है 9 किलोमीटर। अब हम इसमें एंटर कर गए हैं। और ये सिंगल ट्यूब टनल है। इसकी लेंथ है 9 किलोमीटर और इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स, राइट? 10 मिनट लगेगा हैप्पी जी? हाँ जी, नहीं 20 मिनट लग जाएगा। 20 मिनट लगेगा इसको हमें कवर करने में, अगर 40 की स्पीड पे जाऊंगा। 40 की स्पीड पे जाऊंगा और यहाँ पे 70 हो गया तो फिर वही कुछ कम हो जाएगा। हाँ, वैसे यहाँ पे स्पीड लिमिट है 60 लिखा हुआ, आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे रुकना भी अलाउड नहीं है, आपको चलते ही रहना है। काफी लंबी टनल है ये, लॉन्गेस्ट टनल इतनी हाइट में वर्ल्ड की। अब मैं यहाँ पे पॉज करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जब हम निकलने वाले होंगे यहाँ से तो मैं आपको बताऊंगा कितना टाइम लगा और बाहर निकल के क्या नज़ारा होगा वो भी दिखाऊंगा। हाँ, मैंने फिर से स्टार्ट किया है, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमको ऑलरेडी 6 मिनट्स हो गए हैं और यहाँ पे ऐसे बीच बीच में एग्जिट बने हुए हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से निकल सके। एक एग्जिट गया अभी और अब हम लोग ये टनल से बाहर निकलने वाले हैं। हमको ये टनल क्रॉस करने में ऑलमोस्ट 11 मिनट्स लगा। ये देखिए 40 की स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे। ये टनल जो रोहतांग पास आप विंटर्स में आ नहीं सकते थे, जो रास्ता बंद होता था वो रास्ता पूरे साल चालू रहता है बिकॉज ऑफ अटल टनल। और ये हम अटल टनल से बाहर आ रहे हैं और ये हम आ गए अटल टनल से बाहर। देखिए और ये बाहर की तरफ का नजारा देखिए एक बार। ये देखिए आप, स्नो चारों तरफ, स्नो ही स्नो है। ये देखिए आप, और यहां पे देख के गाना गाने का मन करता है, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां। ये हम लोग सिस्सू वैली आ गए हैं, ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोहतांग पास से और करीब 5-6 किलोमीटर आगे। यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है और थोड़ी सी बर्फ है, अभी थोड़ी सी ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर ठंडी हवा चल रही है, हवा ठंडी है यहाँ पे, बट वेरी गुड ओवरऑल। ये सामने ऐसे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, उधर भी काफ़ी शॉप्स हैं। यहाँ पर मैगी मिलता है, मीका मेरा वहाँ बैठी हुई है इस शॉप के अंदर और मैगी खाने के लिए वो मैगी बना रहा है। और इधर मैं फिर से दिखाता हूँ। सो ये आज डेट है 12th December, बहुत ठंडा वेदर है, मतलब हाथ बाहर निकला है तो गल रहा है हाथ, इतना ठंडा है। लोग बोलते हैं कि जब जनवरी में आप आओगे तो यहाँ पे पूरा आपको स्नो से कवर्ड मिलेगा, ये पूरे माउंटेन्स आपको स्नो से कवर्ड मिलेंगे। इवन ये जो रिवर है, ये रिवर भी पूरी जम जाती है, मतलब आप इस पर वॉक भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा ठंडा होता है जनवरी के टाइम में, मिड ऑफ जनवरी और एंड ऑफ जनवरी जब ज़्यादा स्नोफॉल होता है यहाँ पे। सो ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये सिस्सू वैली है जो रोहतांग पास से कुछ 5-6 किलोमीटर आगे है और हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं जब मीका मारा मैगी फिनिश करेंगे एंड देन वी गो टू रोहतांग पास बैक, जो हम अटल टनल से आए थे। ये हसी वादियाँ ये खुल।
खुला आसमां आ गए हम कहां है मेरी जाने जा। ये हंसी वादियां ये खुला आसमां आ गए हम कहां है मेरी जाने जा। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, थोड़ी बर्फ गल गई है लेकिन इतनी एनफ है कि आप विस्की में डाल सके। ये हम लोग अटल टनल से बाहर आए हैं। डीएलएफ फुल कह ही जावे, मैं कहीं नहीं क्यों है, चंगी पड़ी हूँ मुंडी तुरी।